दिवाली पूजा के लिए कैसी होनी चाहिए लक्ष्मी जी की तस्वीर। महालक्ष्मी चित्र में जरूर हो ये बातें। दीपावली का त्यौहार विशेष तौर से माँ लक्ष्मी की आराधना का पर्व है। इस दिन आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए कई तरह की तैयारियां करते हैं और विधि विधान से पूजन कर माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कृपा प्राप्ति के लिए आप देवी माँ के जिस चित्र का पूजन करते हैं उसमें कुछ चीज़ें अनिवार्य मानी गई हैं। इन वस्तुओं के होने से माँ लक्ष्मी की पूजा सफल होती है और आपके घर सुख व समृद्धि का वास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली पूजा के लिए लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति का सही चुनाव कैसे करें? पूजा के नियमों के अनुसार कैसी होनी चाहिए लक्ष्मी माता की तस्वीर, यही ही सब मैं बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी कर। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। माँ के जिस चित्र का पूजन करते हैं उसमें कुछ चीज़ें अनिवार्य मानी गई हैं। इन वस्तुओं के होने से माँ लक्ष्मी की पूजा सफल होती है और आपके घर सुख व समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं पूजा के नियमों के अनुसार कैसी होनी चाहिए लक्ष्मी माता की तस्वीर। पूजा के लिए लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा में तस्वीर या मूर्ति का चुनाव करना शुभ माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान है। खड़ी हुई मुद्रा में लक्ष्मी की तस्वीर कम स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। माता लक्ष्मी को चित्र में उल्लू, हाथी या कमल पर विराजमान बताया जाता है। उल्लू पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी का चित्र पूजन में रखने से लक्ष्मी नकारात्मकता लेकर आती है, क्योंकि उल्लू वाहन से आई लक्ष्मी गलत दिशा से आने और जाने वाले धन की ओर इशारा करती है। इसलिए उल्लू पर लक्ष्मी का आना उतना शुभ नहीं होता। जिस चित्र या तस्वीर में अकेली लक्ष्मी हो ऐसा चित्र भी पूजा हेतु दीपावली के दिन नहीं लगाएं। मान्यता अनुसार अकेली लक्ष्मी माँ के चित्र का पूजन करने की अपेक्षा गणेश व सरस्वती के साथ उनका पूजन अति कल्याणकारी होता है। लक्ष्मी जी का वह चित्र जिसमें वे उनके एक ओर श्री गणेश और दूसरी ओर सरस्वती हों, धन के लिए लक्ष्मी, ज्ञान के लिए सरस्वती और बुद्धि के लिए गणेश जी का पूजन किया जाता है। हम कर्म करते हैं तो हमारे पास धन आता है, तो इस धन को खर्च करने और निवेश करने के लिए हमें ज्ञान के साथ ही बुद्धि की भी ज़रूरत होती है। यही वजह है कि लक्ष्मी जी के साथ श्री गणेश और सरस्वती जी की पूजा की जाती है। यदि बैठी हुई लक्ष्मी माता के चित्र ला रहे हैं तो लक्ष्मी माँ का वह चित्र लेकर आएं जिसमें कमल के आसन पर बैठी हों और उनके आसपास सूंड उठाए हाथी हों। इस तरह के चित्र का पूजन करने से माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहेंगी। लक्ष्मी माता के दाहिने हाथ में वरदान मुद्रा होनी चाहिए जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देते हुए दिखे। यह मुद्रा सुख समृद्धि का प्रतीक होती है। चित्र में माता लक्ष्मी के पैर दिखाई नहीं देते हों, अन्यथा लक्ष्मी घर में लंबे समय तक नहीं टिकती। इसलिए बैठी हुई लक्ष्मी को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चित्र में माँ लक्ष्मी के साथ अगर ऐरावत हाथी भी है तो वह अद्भुत और शुभ फलों को प्रदान करेगा। कुछ तस्वीरों में लक्ष्मी माँ के दोनों ओर दो हाथी बहते पानी में खड़े होते हैं और सिक्कों की बारिश करते हैं। इस तरह का चित्र पूजन करने से किसी भी स्थिति में घर में धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा यदि सूंड में कलश लिए हुए हाथी भी खड़े हों तो शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी के चित्र हों तो आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। नारायण को आमंत्रित करके माँ लक्ष्मी को घर में विराजित किया जाता है। भगवान विष्णु के साथ घर में पधारने वाली माँ लक्ष्मी गरुड़ वाहन पर आती हैं, जो कि बेहद शुभ और कल्याणकारी होता है। इस प्रकार घर में आया हुआ धन सदैव कल्याण करता है। तस्वीर साफ और बिना धब्बों के होनी चाहिए। हर साल दिवाली के दिन नई लक्ष्मी जी की तस्वीर रखें। पूजा के समय सच्चे मन और श्रद्धा से प्रार्थना करें। दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा का खास महत्व है और सही तस्वीर या मूर्ति का चुनाव करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का स्वागत कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें, यह वीडियो सब जगह शेयर कर देना ताकि सभी को लाभ मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।